मास्क तो उतार ही सकते हैं फिर अब खाना खाने वक्त तो उतार ही देना तेरा हिमांशु एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है कि टूरिज्म जो है वो ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में खुल चुका है बट स्टिल कोविड का रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए जब भी आप ट्रैवल करें तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें और पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करें और सैनिटाइजर वगैरह तरह तरह के प्रिकॉशन जो भी हैं वो फॉलो करें। सो गाइज आज मैं आप लोग को एक ऐसी जगह लेके जाने वाला हूँ जो कि ऑफबीट डेस्टिनेशन है और नैनीताल जो आपने नाम सुना ही होगा बहुत ज़्यादा, तो नैनीताल से दूर एक जाके एक गांव पड़ता है वहाँ पे हम जाने वाले हैं आज इस वीडियो में आपको पता लगेगा और वो जो गांव है बहुत ही अमेजिंग है। उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को देखते रहे, वीडियो में बने रहें और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप चैनल में नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो ये आप रोड देख रहे हैं ये रोड हल्द्वानी से आती है, यहाँ से दो रोडें कटती है, अल्मोड़ा की तरफ जाती है भवाली की तरफ और ये जो ऊपर को जा रही है नैनीताल की तरफ जाती है। सो गाइस जैसा कि आपने वेदर देखा काफी ठंडा वेदर है, हल्द्वानी से जब चला था तो काफी तेज धूप थी, ठंड में जैकेट की जरूरत नहीं पड़ रही थी बट अभी ठंड लगने लगी है तो मैं जैकेट निकाल रहा हूँ। आजकल प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य सही होना चाहिए। देखो ठंड के कारण मेरे फॉग से सारा चश्मा जम गया है, मजा आ गया, वेदर अमेजिंग है यार। सो गाइस नैनीताल हमने क्रॉस कर लिया है, नैनीताल से 2 किलोमीटर आगे जाके एक राइट कट आता है किलबड़ी रोड, वहां से स्टार्ट हो जाती है ये सीधे पंगूट गांव में कोई जाती है। तो अभी हम रस्ते में एक जगह पे रुके हुए, यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, यहाँ से लेक दिख रही है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा नहीं दिख रहा कैमरे में, मैं जरा जूम करके दिखा देता हूँ। तो एक बहुत शानदार पॉइंट है यहाँ पे, अगर आप चाहो तो यहाँ पर रुक के फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो, जबरदस्त लेक का नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ से। अभी थोड़े क्लाउड्स लगे हुए हैं ना इस वजह से साफ नहीं दिख रहा है, अदरवाइज धूप होती तो काफ़ी शानदार क्लीन यहाँ से व्यू आता। बाकी अगर आपको और ज़्यादा फोटोग्राफ्स वगैरह देखनी है तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, आईडी यहाँ पे ब्लिंक करी होगी। सो गाइस नैनीताल में मेरा फ्रेंड अमित भी मिल गया था, वैली ऑफ फ्लावर्स वाली वीडियोस में आपने देखा होगा इसे। सो फिलहाल अभी हमने यहाँ पे ब्लॉगिंग वगैरह कर ली है व्यू पॉइंट से, अब यहाँ से निकल रहे हैं पंगोट के लिए, बाकी वहाँ पहुँच के बताते हैं कहाँ रहना है, क्या सीन है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे करनी है। किल्बर रोड से हम लोग आगे निकल गए हैं। सो गाइस अब पंगोट सिर्फ 4 किलोमीटर रह गया है यहाँ से, तो धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है और बहुत ही नज़दीक है नैनीताल से और जो यहाँ से व्यू पॉइंट्स है काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स है, पूरा हरा भरा है एरिया और ये पूरी पूरी की पूरी जो है बर्ड सेंचुरी है। तो जो पंगोट है इसके 2 प्रोनंसिएशन है पंगोट विलेज के, एक तो कई लोग पंगोट बोलते हैं कोई पंगूट बोलता है, तो आप देख लेना जब भी आओगे तो दोनों का मतलब एक ही है। तो बाकी रहने की व्यवस्था पे काफी अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स हैं और कैंपिंग वगैरह भी होती है। सो गाइस जैसे ही पंगोट पहुंचते हो आप मेन पंगोट से एक लेफ्ट साइड से एक कट पड़ता है, जहाँ से अगर आप 2 किलोमीटर आगे जाओगे एक कच्चा सा रास्ता आता है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा ऑफ रोड हो जाता है, तो वहाँ पे लाइन से आपको रिजॉर्ट्स वगैरह और बहुत सारे कैंप्स कॉटेजेस वगैरह सारे मिल जाएंगे। तो हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया और कई सारे कैंप्स देखे, कई सारे रिजॉर्ट्स भी देखे और कॉटेजेस भी देखे, तो जो रेट है वो ठीक ठाक है, अभी थोड़ा सीजन का टाइम भी है तो, लेकिन फिर भी एक मिनिमल कॉस्ट है लाइक 1200 से 1500-2000 तक आपको पर हेड मिल जाएगा, जिसमें सारे मील्स वगैरह इंक्लूडेड रहता है। तो हमें एक एक अलग सा इंटरेस्टिंग सा कोई एक यहाँ पे कॉटेजेस सा मिला हुआ है जहाँ पे इंफ्रा काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। सो गाइस रोड आप देख लो, रोड ऐसी है बिल्कुल ऑफ रोड है, काफ़ी मतलब पथरीला रास्ता है, तो आप आओ तो देख के आना। हम लोग तो ऐसे स्कूटी में आए थे, ऐसी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बट अगर पंचर हो गया तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो अभी हमने यहाँ पे अनन्या करके कॉटेजेस करके एक प्रॉपर्टीज है, तो उस प्रॉपर्टी पे अभी हम रुक रहे हैं, लेट्स सी कैसे हैं अंदर रूम वगैरह देखते हैं और आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे फूड वगैरह मील कितनी मिलती है, क्या मिलती है, क्या क्वालिटी है, वो सारी डिटेल्स अभी आपको मैं आगे शेयर करता हूँ। तो बेसिकली क्या है सीन कि यहाँ पे ये जो कॉटेजेस हैं इसमें आप रात को स्टे कर लो और साथ में रात को बोन फायर वगैरह भी करवाते हैं और ऐसी कोई एक्टिविटीज़ वगैरह यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है लाइक ट्रैकिंग वगैरह या ये सब, बट वो अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा चार्ज देके वो कर सकते हो या फिर ये कोई आपको गाइड प्रोवाइड कर देंगे तो आप उसके साथ जा सकते हो। एक बेसिकली वाटरफॉल है, यहीं से रास्ता जाता है इसी प्रॉपर्टी के नीचे से। तो बेसिकली इस टाइप से कॉटेजेस हैं यहाँ पे, जैसे कि आप ये देख रहे हो, तो ये कुछ ट्रायंगल शेप में है, कुछ सर्कल है, तो हमको ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगा तो हमने सोचा कि यहाँ पे स्टे करके देखना चाहिए। बाकी यार अभी तो पूरा धुंध लगी हुई है, घुप सा मौसम हो रखा है तो कुछ दिख नहीं रहा है, आई होप मॉर्निंग के टाइम पर अच्छा व्यू यहाँ से देखने को मिलेगा और एक सनसेट पॉइंट भी है यहाँ से थोड़ा सा नज़दीक, तो वहाँ भी हम जा सकते हैं।
तो गाइस ये है अपना रूम जो हमने सेलेक्ट किया है, काफ़ी अच्छा सा बनाया हुआ है बेसिकली इन्होंने, क्यूट सा छोटा सा, ज़्यादा स्पेसियस नहीं है बट ठीक है, एक रात बिताने के लिए दो रात बिताने के लिए टेंट से तो काफ़ी अच्छा है। वॉशरूम भी डिसेंट सा है यार, इतना भी ख़राब नहीं है, डिसेंट सा वॉशरूम है, मतलब ऐसी जगह पे तो यार और क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, एटलीस्ट टेंट से तो अच्छा है। सो गाइस एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। पहली नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एयरटेल का यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता है, तो अगर आप आ रहे हो तो आपके पास अगर एयरटेल सिर्फ एयरटेल है तो आप एक और नंबर लेकर आएँ। जियो पूरा प्रॉपर चल रहा है, जियो का सिम मेरे पास लग बाई चांस था तो मैंने उसको ऑन कर लिया है और उसमें नेटवर्क आ रहा है, इवन 4G भी चल रहा है बढ़िया करके। और दूसरी चीज़ है कि जो रोड है वो थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है, जब आप नीचे आ जाते हो गांव से पंगोट से थोड़ा सा नीचे आ जाते हो तो ऑफ रोडिंग है और कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर आप आते हो तो। जैसे अगर आपको कैंपिंग करनी है प्रॉपर टेंट्स में, स्विस कैंप टेंट में रहना है, अल्पाइन टेंट में रहना है, कुछ भी करना है तो सारा अवेलेबल है, कॉटेजेस भी अवेलेबल हैं और रेट जो है बहुत ही मिनिमल है। मे बी अभी सीजन नहीं है इस वजह से मिनिमल हो। और बॉनफायर के लिए यहाँ पर डेडिकेटेड स्पेस बनाया हुआ है और इसके जस्ट सामने आपको एक बहुत बढ़िया वैली का व्यू देखने को मिलने वाला है, बट हालांकि अभी थोड़े क्लाउड्स होने के कारण इतना क्लीन व्यू नहीं दिख पा रहा है, बट आई होप मॉर्निंग के टाइम पे अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। और थोड़ी सी ना ठंड भी बढ़ गई है जैसे कि आप वेदर देख रहे हो ना, एकदम काफ़ी अच्छा है, मतलब नेचर में आप बिल्कुल ऑफ बीट। अभी सीन ही है कि हमने थोड़ा बहुत बॉनफायर में बातें साथे करी, गप्पे सप्पे मारी, तो बेसिकली ये यहाँ पे ऐसा ग्रुप एक्टिविटी नहीं है तो बहुत ही एक नॉर्मल सुकून वाला टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे। सो हमने अपनी पर्सनल बातें करी, आगे का प्लान डिस्कस किया, कल कहाँ जाना है वो डिस्कस किया। सो कल भी एक हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाने वाले हैं, एक नई जगह, तो एक नए व्यूज आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो में बने रहें। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी फिलहाल हम कर रहे हैं डिनर और डिनर में यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको खाना देखने को मिल रहा है, अभी देखते हैं टेस्ट करने के बाद पता लगेगा कि कितना अच्छा है। और वैसे भी अगर आप कभी भी उत्तराखंड आते हो तो यहाँ की लोकल जो डिशेस होती हैं या फिर कोई भी खाना है जो पहाड़ी स्टाइल में बना होता है या यहाँ का जो नमक होता है, यहाँ का पिसा हुआ नमक होता है, वो काफ़ी टेस्टी होता है, तो आप आके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे कर लेते हैं डिनर, उसके बाद करते हैं बात आगे की। सो गाइस डिनर करके हम लोग आ गए अपने कॉटेज पे और जो खाना था वो ठीक था, और जो खाना बेसिकली पहाड़ी स्टाइल में था तो चिकन वगैरह सारा पहाड़ी स्टाइल में था, तो थोड़ा सा अलग होता है नॉर्मल चिकन से, तो वो आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, थोड़ा कुछ लोगों को टेस्टी लगता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा ऑफ बीट लगता है, जैसे कि डेस्टिनेशन ऑफ बीट है। सो गाइस अभी तो प्लान ये है कि अभी हम सो रहे हैं बिकॉज सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, ऐसा अमित भाई का कहना है कि सुबह जल्दी उठा देंगे, तो ताकि हम सुबह मॉर्निंग वॉक नेचर वॉक के लिए निकले और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे का प्लान करेंगे कहाँ जाना है। तो अभी तो मैं फिलहाल थोड़ी देर बुक पढ़ूंगा अपनी, एक थोड़ी बुक कंप्लीट जितनी कर सकता हूँ बिकॉज मुझे थोड़ी लेट सोने की आदत है, उसके बाद फिर आपको मिलता हूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग में। काफ़ी देर हमने वेट करा यहाँ पे एक व्यू देखने के लिए, ये देखिए मास्क तो उतार ही सकते हैं फिर, अब खाना खाने वक्त तो उतार ही देना फिर। चाइना में बना रहे हैं।